लगातार दो बार फाइनल्स में पहुंचकर टाइटल से चूक चुकी है गुजरात जायंट्स। गुजरात फॉर्चून जायंट्स दो बार फाइनल खेला, लगातार दोनों बार शिकस्त झेल गए। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का ऐसा किलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो टीम को पहला टाइटल जिता सके। टीम में राम मेहर जैसा चैंपियन कोच है जो चैंपियन बनने की रणनीति बनाएगा। तो ऑन मैट प्रेशर हैंडल करने के लिए सुल्तान फजल को लाया गया है। अब जिस टीम में सुल्तान फजल हो, वहां सबसे पहले बात तो डिफेंस की होनी चाहिए। We have three right covers, three left covers. In the right cover, we have Soro. We played also last season in the Gujarat, and also we have Ravi. In the left side, like we have Arkam. Also, he played last season good, and we have a new player in the Gujarat, Balaji. Cover तो हमारे थे पिछली बार भी अच्छे थे, लेकिन फजल भाई साहब और सोमबीर भाई साहब के आने से अब की बार हमारे corners बहुत ज़्यादा strong हुए हैं। सोमबीर एक balance player है, तो मुझे उम्मीद है कि last year भी वो पुनेरी पल्टन में फजल के साथ था, तो उनको अपना कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये अच्छा करेंगे तो टीम का अपने आप कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। फजल सर एक अच्छा खिलाड़ी है, वो एक तो एग्रेसिव खेलते हैं और मेरा उसके साथ कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। I hope this season also we are playing well together. रेडिंग में गुजरात के पास प्रतीक दहिया जैसा राइजिंग सुपरस्टार है ही, उनका साथ देने वाले रेडर्स भी कम तूफान ही नहीं है। रेडिंग की हमारी जो सेकंड लाइन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोहित गुलिया हो गया, प्रतीक दहिया हो गया, मैं हो गया, सोनू जागलान हो गया, विकास जागलान हो गया, रोहित गुलिया सीनियर प्लेयर हमारे जो रेडिंग में, वो उनसे हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। थोड़े जूनियर हैं तो मैं उनको समझाता भी हूँ, थोड़ा बहुत गलती रहता है तो। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज व्हेन यू हैव गुड रेडर्स तो यू कैन प्ले बेटर इन डिफेंस आल्सो। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी इन रॉकेट्स दैट ही इज द वेरी फास्ट। प्रतीक दहिया मे बी लास्ट सीजन नोबडी बिलीव हिम, बट नाउ ही इज लाइक अ न्यू स्टार इन द पीकेएल, एंड आई थिंक दिस सीजन आल्सो ही विल बी हीरो ऑफ द गुजरात। रोहित गुलिया इज वेरी गुड इन द लेफ्ट साइड, he's the our all-rounder, he can also help in defense. We have a lot of young guy in our team, they are also very good. अब की बार वो काफी अच्छा लग रहा है, हमारी टीम पिछले साल से काफी मजबूत है। सुल्तान फजल के साथ ही गुजरात अपने डेब्यू सीजन में फाइनल में पहुंची थी। अब इसी सुल्तान के साथ गुजरात को अपने पहले टाइटल का सपना भी पूरा करना है। इन खिलाड़ियों को बस सुल्तान का साथ देना है। I hope that we take a trophy this season. अपनी गरज सुनाने को बेताब गुजरात जायंट सीजन 10 की तैयारियों में जी जान से जुटी है। कैंप में सुल्तान फजल जैसे शूरवीर का होना साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहा है। हमारी तैयारी बहुत ही हार्ड वर्क चल रहा है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत लंबी लीग है और 3 महीने का लीग है। और शाम को हमारा मैच प्रैक्टिस भी होती है, टेक्निक भी होती है, मैच स्किल भी होती है। ही डूइंग 2 आवर्स हैवी ट्रेनिंग एंड दिस इज वेरी गुड फॉर अस दैट ही कैन मेक द टीम वेरी स्ट्रॉन्ग। खिलाड़ियों के लिए HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सेशंस भी रखे गए हैं। टारगेट है खिलाड़ियों को पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना। स्पेसिफिकली हर एथलीट की स्पेशल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे रेडर्स हैं, रेडर्स के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है और डिफेंडर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, ऑलराउंडर्स के लिए अलग ट्रेनिंग है। तो भी हमारा इस टाइम मेन ध्यान यही था 2 महीने में कि हम फिटनेस पे ही ज़्यादा फोकस करें एथलीट्स की, ताकि उसका आउटकम अच्छा आ सके टूर्नामेंट्स के टाइम पर। रेडर्स पे हम ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि उनके एक्सप्लोजिव पे और एजिलिटी पे ज़्यादा काम कर सकें, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर भी रहे हैं वो। डिफेंडर्स के ऊपर मोर ऑफ द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टेबिलिटी। खिलाड़ियों में न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, इसके लिए खिलाड़ियों की जरूरत के मुताबिक डाइट प्लान भी तैयार किया गया है। कैंप का आखिरी और सबसे अहम सेशन होता है मैट प्रैक्टिस। यहाँ खिलाड़ियों की स्किल तराशने का काम कोच राम मेहर के हाथों में है। तो साहब हमारी स्किल पर ध्यान दे रहे, जैसे एंकल होल्ड, थाई होल्ड, चैन टैकल, इन सभी पे अच्छे से काम कर रहे हैं।
मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो कोच साहब भी मेरे को बताते हैं कि इधर आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए। और हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, चाहे स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, इंडोरेंस हो और टेक्निक टैक्टिस, अलग कुछ ऐसा है नहीं, बस यही है कि हम फिटनेस को फोकस कर रहे हैं और जो जो खिलाड़ी की जिसकी वीकनेस है कि लास्ट ईयर जो खेले हैं जिसकी वीकनेस रही उन पे हम काम कर रहे हैं और हमारा गोल सबका एक है कि ट्रॉफी। इफ यू आर लेजी प्लेयर हियर इज नॉट गुड फॉर यू, बट इफ यू वांट बी चैंपियन हियर इज विद रामनर सर इज वेरी गुड फॉर यू। दो बार की फाइनलिस्ट गुजरात इस बार टाइटल जीतने की जिद लेकर उतर रही है। टीम में राम मेहर जैसा चैंपियन कोच तो है ही, अब फजल जैसे चैंपियन के आ जाने से इनका जोश सातवें आसमान पर है। सीजन ओपनर में सुल्तान फजल का सामना हाई फ्लायर पवन सहरावत से होगा।